चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट टेस्ट को आपको अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। सवाल कुछ इस प्रकार से है। एन एक्सटर्नल रियर व्यू मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 16 मीटर। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब यहां पर आप इस वीडियो को 3 मिनट्स के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। आई होप आप सभी ने अपना तेज दिमाग यूज करके ये सवाल कर लिया होगा। तो चलिए हम इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। हमें सवाल में दिया है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें 10 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन मिरर का 16 मीटर है, दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ होगी 8 मीटर्स। मिरर फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वी की वैल्यू आएगी 40 अपॉन 9 मीटर्स। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, माइनस वी अपॉन यू, इसमें वी और यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास मैग्निफिकेशन आएगा 4 अपॉन 9। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि ट्रक तो बहुत बड़ा है एक्चुअली में, पर इमेज उसकी छोटी बन रही है। ये चीज हमें मैग्निफिकेशन के नंबर से भी समझ में आती है कि जो मैग्निफिकेशन है वो कम हो गया है। अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स की समरी कुछ इस प्रकार से है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फोकल लेंथ होती है f इज इक्वल टू आर बाय टू विच इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर इक्वेशन है 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और मैग्निफिकेशन बाय अ मिरर का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स के आधार पर आपको अब ये रेफरेंस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।